दोस्तों, अगर आप भी कॉमिक सुपर हीरो फैन हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमानिया के टॉप 10 सीक्रेट्स जो शायद आपको पता नहीं होंगे। दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 सीक्रेट फैक्ट्स ऑफ एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमानिया। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 17 फरवरी 2023 को एंट मैन द वास्प क्वांटमानिया की जगह द मार्वल रिलीज होने वाली थी। सीक्रेट नंबर 2, एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमानिया मूवी की प्लानिंग 2019 में ही हो गई थी और 2020 में इसका टाइटल और कास्ट को भी अनाउंसमेंट कर दिया गया था। सीक्रेट नंबर 3, मूवी के मेन विलेन है कैंग द कॉन्करर, जिसे हमने लोकी के सीजन में देखा था। सीक्रेट नंबर 4, लोकी का कैंग द कॉन्करर और एंट मैन द वास्प क्वांटमानिया का कैंग द कॉन्करर दोनों अलग अलग हैं। लोकी की तरह कैंग द कॉन्करर एक वेरिएंट है। सीक्रेट नंबर 5, इस मूवी की पहली रिलीज डेट 28 जुलाई 2023 थी, जिसे बदलकर अब 17 फरवरी 2023 कर दिया गया है। सीक्रेट नंबर 6, एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमानिया की फिल्मिंग टर्की से शुरू हुई थी, बाद में एडिशनल फिल्मिंग सैन फ्रांसिस्को और इंग्लैंड में हुई। सीक्रेट नंबर 7, एंट मैन के फर्स्ट पार्ट में जो हिडन सिटी दिखाई दे रही थी, जो कैंग द कॉन्करर की सिटी क्रोनोपोलाइट थी, जो टाइम और स्पेस से बाहर एग्जिस्ट करती है। सीक्रेट नंबर 8, ट्रेलर में जो गोला सा क्रिस्टल दिखता है उसे फॉरवर्ड हार्ट क्रिस्टल बोलते हैं। इससे कैंग द कॉन्करर पूरी सिटी की पावर को कंट्रोल करता है। सीक्रेट नंबर 9, मिशेल फीफर ने इस फिल्म के लिए $2-3 million फीस ली है। सिवांगलिन लिली ने इस फिल्म के लिए $2-4 million फीस ली है। पॉल पुट ने इस फिल्म के लिए $10-12 million फी ली है। माइकल डॉगलस ने सबसे ज्यादा $12-15 million फीस ली है। सीक्रेट नंबर 10, लोगों का कहना है कि एंट मैन इस फिल्म में मर जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है एंट मैन इस फिल्म में मर जाएगा या फिर कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट मरेगा? इस बारे में आपकी क्या थ्योरी है, कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।